नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल फेस का नाम है सिटी फास्टर 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, उनके फुल फॉर्म्स, क्योंकि अक्सर एग्जाम से में पूछे जाते हैं, पुराने हो जाते हैं तो भी पूछे जाते हैं, नए हो जाते हैं तो जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में जो चल रहे हैं वो अक्सर पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट दे सकता है आने वाले एग्जाम्स में। और आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला है एनआरसी। एनआरसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नागरिक जो होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय रजिस्टर जिनमें उनका नागरिकों का नाम होता है। ये हाल ही में चर्चा का विषय था असम के लिए। असम में एनआरसी तैयार की जा रही है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार किया जा रहा है, जिसमें 40 लाख लोगों के नाम ही नहीं थे। तो इसलिए ये विवाद था, चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये भी था कि किसी देश के बीच में, किसी सरकार के बीच में, किसी व्यापारिक संस्था के बीच में करार होता है, ये एक समझौता होता है कि उतना निवेश किया जाएगा, ये समझौता होता है कि उतना व्यापार किया जाएगा, तो एमओयू यानी कि इसमें साइन होते हैं, तो समझौता होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगला है आईकैन। आईकैन क्या होता है, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये इंटरनेशनल एक संस्था है जो परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए कैंपेन चला रही है। इसको 2017 का नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आईकैन का फुल फॉर्म क्या है। अगला है ODF, ओपन डिफेकेशन फ्री। इसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। ये नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत का, तो उसमें ये इसका है कि ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना है सभी, पूरे देश को, तो ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ODF, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इकोनॉमी से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, क्योंकि क्या होता है कि लोन ले लिया जाता है किसी के द्वारा, उसके बाद लोन चुकाया नहीं जाता था, कुछ समय बाद वो NPA घोषित कर दिया जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है बैंक के लिए। तो ये देश में काफ़ी बढ़ रहा है, इस समय बैंकिंग सिस्टम में NPA काफ़ी बढ़ रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, इशू बन गया है, बहुत बड़ा इशू बन गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है NPA, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। और हमारे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अगला है ORP, वन रैंक वन पेंशन। ORP क्या है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है कि उनको एक रैंक के लिए एक ही पेंशन सबको प्रदान की जाए। इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों ने हाल ही में आंदोलन भी किया, उनकी मांग रही है कि ORP उनको दिया जाए, वन रैंक वन पेंशन। अगला जो है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका मतलब क्या, डिजिटल माध्यम से आप तुरंत ही इमीडिएटली आप पेमेंट कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया के लिए, कैशलेस के भारत के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है कि इसके द्वारा आप पेमेंट बहुत ही जल्दी आसानी से कर सकते हैं। अगला है नोटा। नोटा तो आप बहुत अच्छे से सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक लास्ट बटन होती है नोटा की, कि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। अगला है नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी IMPS की तरह है, इसमें जो है आप पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से बहुत ही जल्दी से, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं VVPAT, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। VVPAT क्या है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है उसके साथ लगाया जाता है, आप वोट देते हैं तो आपके जिस भी चुनाव पार्टी को आपने कमल को ओढ़ दिया, आपने पंजों को ओढ़ दिया, तो उसके साथ एक VVPAT मशीन में एक पर्ची निकलती है जिसमें वो चिन्ह बना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपने वोट डाला है, जिस पार्टी को वोट डाला है उसी को वोट गया है। तो ये हाल ही में ट्रायल की जा रही मशीन, हर जगह जगह लगाई जा रही, इसका डेमो लिया जा रहा है कि कैसे चलेगी, कैसा होगा इसका। आगे देखते हैं UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये हमें आधार कार्ड प्रदान करता है। आधार कार्ड जो होते हैं, आधार नंबर इसी के माध्यम से बनते हैं। आगे है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी मोबाइल कंपनी है, टेलीफोन कंपनी है, उनको रेगुलेट करती है, ये उनकी बॉस है ये, उस ये इसी के हुक्म सभी कंपनियां मानती हैं। अभी जियो का मसला चल रहा था तो सभी कंपनियां शिकायत करने गई थी कि जियो इतना सस्ता डेटा कैसे दे रहे, ट्राई के पास ही गई थी। तो ट्राई जो है इनको रेगुलेट करती है सभी टेलीकॉम कंपनियों को। अगला है IPPB। IPPB का मतलब है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सुना होगा, डिजिटल बैंक होता है वो, किसी ब्रांच नहीं होती लेकिन वो डिजिटल तरीके से बैंकिंग का काम करता है। उसी तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है इसका, IPPB, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है भीम, ये तो आप अच्छे से सुने ही होंगे। भीम ऐप जो है UPI ऐप है कि आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है, आपकी अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप भीम ऐप के माध्यम से, UPI के माध्यम से चलता है ये, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसमें बिना किसी झंझट के। भीम ऐप यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अभी तक ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।